फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित पंगाला। आई होप यू आर फिट एंड फाइन। सो दोस्तों, आज की वीडियो का टाइटल, टॉपिक और इसके अंदर एक मेन एम क्या है। आजकल इंडिया में ये नई न्यूज, अफवाह, ट्रेंड कुछ कह लो कि ये चल रहा है कि भाई अब ये कह रहे हैं, कई अफवाहें फैल रही है कि भाई डॉग्स बैन कर रहे हैं। तो सबसे पहले चाकू चलता है पिटबुल पे। पिटबुल के साथ दो तीन ब्रीड्स को और कवर कर लिया जाता है, तो जैसे रोटवाइलर का, डोगो अर्जेंटिनो का, और आगे आगे अब जर्मन शेफर्ड का भी नाम आएगा। तो बहुत सारी चीजें भी आनी भी हैं। सो इन सब का एक ही इलाज है भाई। दो तीन डिस्ट्रिक्ट में ऐसे कह रहे हैं कि भाई ऐसे बैन कर दिए हैं, कई कह रहे हैं कि आपको ब्रीडिंग नहीं करानी, कई कह रहे हैं आपको न्यूट्रलाइज करवा देना डॉग, पता नहीं क्या क्या बातें आई, और ऑफिशियल अब तक कुछ भी नहीं आया है जहां तक मेरी नॉलेज। अगर आया हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर डीएम करना भाई, तो आप उसकी भी बात करेंगे। अब इसमें आते हैं, दो बात आ रही है। एक पक्ष ऐसे कह रहा है कि भाई ब्रीडिंग बैन कर दो, वो डॉग ब्रीड ही बैन कर दो। ठीक है, इस बात पे मैंने पहले भी बात करी थी वीडियो में, मैं अभी आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वो वीडियो जरूर चेकआउट करना, उसमें मैंने बात करी थी। और दूसरे पक्ष ऐसे कह रहे हैं कि भाई ब्रीड बैन करने का कोई इलाज नहीं है, वो तो ऑब्वियस ही बात है। और मैं भी इसी पक्ष की तरफ हूं कि ब्रीड बैन करना कोई इलाज नहीं है, इसका एक इलाज है, एजुकेट करो पीपल को, लोगों को एजुकेट करो। फर्स्ट टाइम ओनर हो तो डोमिनेटिंग डॉग ब्रीड मत ले, अगर ले रहे हो तो उसके ऊपर आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, साथ के साथ पैसा भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा भाई। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक मैस्टिफ ब्रीड ले रहे हो जो, और आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आप टाइम नहीं दे सकते, तो उस डॉग ब्रीड को आप प्रॉपर एक रूटीन बनाओ उसके लिए कि आपको एक उसको इतना टाइम देना है, उसकी एनर्जी बर्न करनी करनी है, वॉक पे लेके जाना है, एक्सरसाइज करानी है, और उसकी मेन, सबसे मेन बात, एक और ट्रेनिंग करवानी है। ट्रेनिंग कराओगे तो वो डॉग आपका स्टार्टिंग से ही सही हो जाएगा, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। और ट्रेनिंग करवाने की परफेक्ट एज है, वो भी मैंने उस पर भी एक टॉपिक पे वीडियो बनाई हुई है, वो डाली हुई है मैंने पेडोवेस्टी वाले चैनल पे। ये वीडियो दोनों चैनल पे आ रही है, मेन चैनल पे भी और पेडोवेस्टी वाले पे भी। सो दोस्तों, परफेक्ट एज होती है पप्पी की, 3 से 4 महीने का पप्पी होता है, उस एज से आप स्टार्टिंग करवा दो ट्रेनिंग की, उसमें आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट आएगा। ठीक है, बट हम बाद में भी अगर आप कराते हो तो भी कोई लेट नहीं है, ट्राई करते हैं, अच्छी चीज रिजल्ट आ जाए, है ना। तो आज आपको मैं वो दिखाता हूं, हमारे लक्की आया था फार्म पे, और वो हमारे पास आया था छोटी एज में, परफेक्ट एज में ट्रेनिंग के लिए, रोटवाइलर है लक्की। उसका आप रिजल्ट देखो कि पेडोवेस्टी फार्म कितनी क्वालिटी में रिजल्ट देता है। सो वो देखो, उसके बाद हमारे पास नया गेस्ट आए हुए हैं, हमारे पास एक और रोटवाइलर आया हुआ है, उसका नाम है मैक्स, और उससे भी मिलाएंगे। चलो इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज लक्की को पूरे 3 महीने हो गए हैं हमारे पास ट्रेनिंग में, और अब रेडी टू गो है ये जाने के लिए। आज आएंगे विशाल, तो उससे पहले एक बार ये जितना भी सीखा है, जितनी भी कमांड सीखा है, राकेश एक बार सारी करके दिखाएगा। तो लक्की अंदर है, लक्की गुड बॉय, सेट, स्टे, स्टे, ये केज से स्टार्ट कर रहे हैं, स्टे, चलो। तो हाँ, अभी राके शुरू करेगा, सेट, नेक्स्ट, स्टे, फिट, वेरी गुड, सेट, और दिलाए, स्टे, लीव, स्टे, स्लिप की ओर करा दे, सेट, डाउन, लकी, वेट, डाउन, स्लीप, स्टे, रोल, वेरी गुड, सेट, स्टे, कम इन, वेरी गुड, सेट, होल्ड द लेग,
leave. No. Eat. Up. Stay. ये ऊपर चढ़ने के अभी कैपेबल नहीं है, इसका बोन इतना बोन स्ट्रक्चर इतना वो नहीं है। हाँ हाँ। इसी वजह से इतना ही। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि कुर्सी पर तो ये बैठ ही गया, आता तो बैठ गया। स्टे वाला इसमें थोड़ा ज्यादा बेटर है क्योंकि अभी भी ये ऊपर है तो भी स्टे है। हाँ। ये चीज रखी डाउन, वेरी गुड, गुड बॉय, कम इन, हील, वेरी गुड, हील, ये विदाउट लेज, गुड बॉय, सेट, चलो अंदर, गो इनसाइड, लकी, चलो, गो इनसाइड, गो इनसाइड, लकी का डोर बंद है, लेकिन ये समझ गया इसको भाई, गो इनसाइड का मतलब क्या होता है इसको पता लग गया। वेरी गुड, गुड बॉय, गो इनसाइड। अब ये सीधा ये गया अंदर। लकी, वेरी गुड, चलो अंदर नहीं जाना। नो, सेट, गो इनसाइड, वेरी गुड, चलो कम, अच्छे माहौल में रहने का फायदा यही है कि अच्छे माहौल में रहता है बच्चा तो जल्दी सीखता है, और भी जैसे कई आए हुए हैं हमारे पास बच्चे, वो भी अच्छे सीख रहे हैं, और एक मैक्स आया है हमारे पास फरीदाबाद से, लक्की भी फरीदाबाद से है, तो ये एक बार इनकी कार्रवाई चल रही है। तो आपने भी अगर अपने पेट की ट्रेनिंग करवानी है या डॉग हॉस्टल में आपने सर्विस लेनी है हॉस्टल की, तो आप पेट डाइवर्सिटी के नंबर पे कॉल कर सकते हो। पेट डाइवर्सिटी का नंबर ये है भैया 94-66-83-311। और रचित ने अभी दो दिन पहले एक सोल डाला था कि कुछ लोग पेट डाइवर्सिटी का नाम लेके कुछ लोग बच्चे बेच रहे हैं, डॉग बेच रहे हैं, ये कह रहे कि मैं रचित बोल रहा हूँ। तो जैसे रचित ने बताता, मैं भी एक बार दोबारा बता रहा हूँ आपको कि भाई इसे फ्रॉड से बचियो, और अगर हमारा नंबर यही है, एक ऑफिशियल नंबर यही है, हम इसी से डील करते हैं, कोई हॉस्टल के लिए आए तो भी, ट्रेनिंग के लिए आए तो भी, और रात बात रही इसकी ब्रीडिंग की, तो जब हमारे पास जो भी बच्चे हैं उनकी जब वो लीटर आता तभी हम उसको देते हैं। तो कोई भी अगर हमारे नाम से कोई ये बोल रहा कि मैं पेडावेस्टी से बात कर रहा हूँ, ये तो नंबर ये चेक कर लो ज़रूर, इस नंबर से बोल रहा है तो ज़रूर पेडावेस्टी से बोल रहा है, अगर इसके अलावा कोई भी नंबर है तो वो पेडावेस्टी से नहीं है, तो इसके लिए थोड़ा सा सावधान रहिए। हाँ जी, हमारे पास विशाल आ गया है, लेकिन विशाल थोड़ा सा लेट आया है और अंधेरा हो गया, इसलिए अंदर हम देखे हैं। तो विशाल ने देख भी दिया, रखी हमने बता भी दिया था विशाल को कि ये 23 कमांड सीख चुका है, और वो हमने वीडियो भी बना ली है। बाकी विशाल से फिर आप दोबारा वही बात पूछेंगे कि ग्रोथ कैसी है, इसका बिहेवियर कैसा है, और ट्रेनिंग जो इसने देखी है वो कैसी लगी, तो एक बार पूछ लेते हैं। बिल्कुल, ग्रोथ में तो शायद मैं किसी भी तरह से ना कुछ बोल नहीं सकता कि कोई लूप ऑन रहा हो। ग्रोथ तो खैर उसकी हमेशा ही अच्छी लगती है मुझे, जितनी बार मैं आया हूँ मुझे कुछ इंक्रीज ही मिला इसके अंदर, भैया साइज है उसका और वेट है, फिर वो थोड़ा सा मैंने ये देखा समझदार भी दिख रहा है काफ़ी, मतलब जो है ना कि आप इस चार के बच्चे जो क्लास में छोड़ देते हैं और वो थोड़ा सीखना स्टार्ट कर देता है तो फिर वो समझदार हो जाता है। अब जैसे आपने ये वीडियो देखी है तो अभी आपके सामने देखा कमांड, ये सही ही बात से मानना है। हाँ है ना, हाँ ये सही चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है, और फिर ये धीरे धीरे मानना स्टार्ट किसने करेंगे सबसे बड़ी बात, हाँ ये मान रही चीज़ों मान लग रहा है। और जैसे
आया था डेढ़ महीने का बच्चा और मुझे 4.5 महीने का गर्भ है, तो इस चीज को मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा इसको कंटिन्यू करना। नहीं नहीं, ये हमेशा ही कंटिन्यू रहेगा और ये कंटिन्यू रहेगा तो इसको हेल्प होगी और आपको भी हेल्प होगी। ये कंटिन्यू रहेगा तो हम भी कंटिन्यू रहेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और सबसे खास बात अमन आए हैं फरीदाबाद से अपना मैक्स को लेके। मैक्स को लेके, मैक्स रोटवीलर है और ये 2 साल का है। ये 2 साल, 2 साल का है। इसके बारे में थोड़ा सा अमन ही बताएंगे क्योंकि हम तो पहली बार मिले हैं इससे। इनको क्या चैलेंज आ रहे हैं और उस हिसाब से आप इनकी क्या मदद कर सकते हैं। तो अमन, पहले एक बार आप अपना एड्रेस, आप कहाँ से आए हो, उसके बाद एक बार मैक्स के बारे में बताएं। जी हाँ, मेरा नाम अमनदीप है, मैं फरीदाबाद से आया हूँ अपना 2 साल का रॉटवेलर लेके। चैलेंज हमें इसके संग सिर्फ यही है कि ये एक तो टाइम से नहाता नहीं है और मजल नहीं पहनता, और लीश वॉकिंग पे जाओ तो बहुत पुल करता है कि इधर भागना है उधर भी, आप देखो बहुत जगह भाग रहा होगा। और दूसरा ये है कि अपने बेसिक काम नहीं करवाएगा, नेल्स क्लिप नहीं करवाएगा, या फिर अगर हमें इसको बॉडी ट्रिम करनी है वो सब नहीं करेगा। अग्रेशन अगर आप बोलो तो 0 है इन टर्म्स ऑफ, जब तक ये एज अ डॉग आप छोड़ दो, अभी यहाँ पे भी खेल रहा है, किसी को कुछ नहीं कहेगा। मैक्स, जब हम इसको मैक्स कुछ करने के लिए ट्राई करेंगे तो इसके अंदर अग्रेशन। ये ले इधर, आ जा आओ, जल्दी आओ। दोस्तों कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई। और अगर आपको पेडोवस्टी से ट्रेनिंग वगैरह करवानी है और कुछ भी नॉलेज भी लेनी है तो आप हमारा एक ऑफिशियल नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हो 9466833311, और आपको अच्छी ही नॉलेज मिलेगी। अब तक हमारा 100% सक्सेस रेट है ट्रेनिंग के अंदर, और हम हॉस्टल फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। और भाई दोस्तों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि पेट डाइवर्सिटी फार्म को गूगल पे सर्च करो, पेट डाइवर्सिटी लिखोगे सिर्फ तो आपको वहां मिल जाएगा, और वहां पे रिव्यू दो यार जितना जैसा आपको लगता है ना, और अच्छे रिव्यू दे दो, ठीक है। चलो भाई, और यार मैं यहाँ पे घर के अंदर इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी बजे सुबह के 6 AM हो या 6 AM हो या, और अभी बाहर लाइट मतलब अंधेरा ही है, सो मैं अभी लाइट के नीचे ही हूँ तो दिखाता हूँ। देखो आपको इसकी लाइट यूज कर रहा था और ये देखो पर अंधेरा है। सो चलो भाई, तो इसी के साथ इस प्यारे से व्लॉग को एंड करते हैं, नेक्स्ट एक धमाकेदार व्लॉग में मिलेंगे। बाय बाय।